हेलो एवरीवन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण बलरामपुर गांव में। ये देखिए जो हमारे पीछे आप जो बाढ़ देख रहे हैं, बहुत ही भयानक कल से बारिश हो रही है। लगातार बिहार इस वक्त बाढ़ और कोरोना का प्रकोप से झेल रहा है। इसी बीच में आपको एक गरीब के घर लेकर चल रहा हूँ। वो इनके घर में पूरी तरह से पानी घुस चुका है और ये घर फूस का है। सबसे बड़ी विडम्बना है कि अभी तक इनको राशन कार्ड और इंदिरा आवास योजना के तहत नहीं मिला किसी तरह का कोई लाभ। तो मैं इनके घर चलता हूं कि देखिए किस तरह से इनको झेलना पड़ रहा है। इस पूरी तरह से यहां पर पानी ही पानी आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए घर जो आप देख रहे हैं, ये इनका जो एक होता है खाना बनाने वाला चीज़, चूल्हा भी पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। ये सामने जो आप देख रहे हैं चूल्हा पानी पानी हो गया है, पूरी तरह से खाना भी नहीं बन रहा है। और ये देखिए जो शौचालय भी है वो भी बंद हो गया है, वो भी नहीं चल रहा है। लगातार बाढ़ की वजह से ये सिचुएशन है इस वक्त बिहार में। गरीबों का घर, ये जो उनका घर है जो आप देख रहे हैं फूस का है, और ये घर में पूरी तरह से पानी घुस चुका है। किसी तरह मतलब कि अपनी जिंदगी काट रही हैं अपने मचानों पर चढ़कर। तो मैं इनसे लगातार मैं बात करूंगा। देखिए इनके घरों में आप देखिए मैं चल रहा हूं और बहुत मुश्किलों के साथ रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है। ये देखिए और ये मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये देखिए किसी तरह पानी का होता है, मचान पर बैठकर अपना शरण कर रही हैं। तो मैं इनसे बात करूँगा कि देखिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए नीचे पानी है, मचान बनाकर ऊपर अपने पूरी परिवार के साथ बैठी हुई हैं लोग, और बहुत ही गरीब हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना है कि इनका फूस का घर है, अभी तक इनको इंदिरा आवास और राशन कार्ड नहीं मिला है। रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, लेकिन अब समझिए इनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और पूरा परिवार के साथ यहाँ बैठी हुई हैं माल मवेशी को लेकर। और सामने भी देखिए ये जो देखिए बड़ा सा पेटी है, उस पर सामान लदा हुआ है और नीचे पानी बह रहा है। तो मैं इनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो कैसा चल रहा है? या बहुत पानी पानी हो गया आपका घर में, पूरा पानी घुस गया है? ना खाए पिए का साधन में ना कोनो चीज के लेकिन ना पेपर सरम करता नहीं सब बहुत दिक्कत हो गई बा। हां मैं के आ अमीन तरह कोनो माने सहारा ना बोल के खाए पिए के चाहे कोनो बात के इति ना बोल। हां लेकिन जे हमरा ना हाथ में सेने होने का बना कुछ छू लेकिन हमर भी सर होत रहे। तो जैसे कि आपको अभी तक राशन कार्ड मिला है और ना इंदिरा आवास? ना नहीं राशन कार्ड मिला था, ना इंदिरा आवास मिलता। डीलर ले कहाँ गई नहीं कह रहे, बाद में मिली हमी के दिक्कत से चला था। हाँ। तो सब का बतना है, सब भूखे हमी के रात को हम ही नहीं चला। अभी तो आप अपने मतलब मचान या बेड पर बैठी हुई हैं और नीचे पानी हुआ, कैसे चल रहा है? बहुत खौफ में है आप? बहुत खौफ में है, बहुत से दिक्कत से चल रहा है, कहाँ जाए। तो आप बताएं, आप इतना कमाने वाले आप ही हैं और आप इतना बड़ा परिवार है, सात बाल बच्चे हैं, तो कैसे चल रहा बा? अभी तो ऐसे ही चलता, अब काथी कर जाओ, मजबूरी के सामना कर जाता। लॉकडाउन में तो कहीं कमाई जाए नहीं लेके जाए जाता, बढ़ के गो कोहर अलगे बा, खाने पिए के सब कुछ के दिखते बाहरा, हालात बहुत खराब बाहरा। इंदिरा निवास मिल जाए तो घर बन जाए, राशन कार्ड मिल जाए तो हम मन के चल कुछ ना कुछ होत रही। हाँ। तो मैं कुछ मन सहायता हो। हाँ। तो नीतीश कुमार से हमने के ये आग्रह बाजे, हमने के एगो इंदिरा निवास आ राशन कार्ड हमने के दिलवा दूंगा। तो देखिए बाल बच्चे लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, किसी तरह यहाँ पर बैठ कर अपना मतलब कि दिन काट रहे हैं। और सामने देखिए किस तरह से बिस्तर है और नीचे पानी है। अब ये समझिए कितना मुसीबत ये झेल रही हैं लोग, और कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार सबसे बड़ा उदासीनता दिख रही है कि इन्हें अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है, नहीं भी राशन कार्ड है। तो अब समझिए इतना बड़ा परिवार और एक कमाने वाला एक आदमी है कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब अभी तक तो क्या अभी 12-1 बजने जा रहे हैं, खाना अभी खाएं? तो खाना वाना कुछ नहीं खाए, ऐसे बैठे हुए हैं। अब बनाने को कोई जगह नहीं है, राशन पानी है नहीं, तो क्या बनाए क्या खाएं? तो अभी बच्चे भूखे तो कैसे मना रहे हैं? क्या करें, मजबूरी पे तो मना नहीं पड़ेगा, कैसे हूँ अभी तक तो कोई है, लेकिन हम लोग को अथी नहीं मिला। क्या चाहते हैं मदद है सरकार से या गांव के लोग से? सब किसी से यही मदद चाहते हैं जो हम लोग को कोई ना कोई मतलब मदद करें, इंदिरा निवास दिलवा दें या राशन कार्ड दिलवा दें, चाहे कुछ खाने पीने का मतलब व्यवस्था करवा दें, हम लोग यही चाहते हैं, दूसरा क्या कहें हम लोग। अभी तक तो क्या नुकसान हो गया अभी तक तो घर में? नुकसान से एक भैंस थी वो तो मतलब दह गई है। हाँ। दो गो बकरी था वो भी दह गई है। हाँ। एक गो बच्चा है तो बैठा हुआ है।
यही तो नुकसान हुआ है, राशन में जो भी था मतलब चाल दावल जो भी है सब नुकसान हो गया है। तो देखिए ये गरीब किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ मासूम बच्चे हैं किसी तरह अपने, देखिए घर का नज़ारा आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गरीब कैसे जीता है और कैसे रहता है। तो ये सामने खाना बनाती हैं चूल्हा में, वो देख रहे हैं तोपा जो ढका हुआ है वो पूरी तरह से भर चुका है। और ये आप देख सकते हैं ये आपको देखिए फूस का घर है, किस तरह से गुजारा करना पड़ रहा है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में, मोहम्मद तस्लीम बिहार के चंपारण बलरामपुर गांव से।